अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपसे हनी ग्रिल चिकन की रेसिपी शेयर करूंगी। आज की रेसिपी में आपको तंदूरी ग्रिल चिकन का टेस्ट भी मिलेगा और हनी की स्वीटनेस भी आप इंजॉय करेंगे। तो चलिए इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। चिकन 1 किलो लिया है, इसके लिए हमने चिकन लेग लिए हैं। आप चिकन का कोई भी पीस ले सकते हैं। चिकन को डीप कट लगा लेंगे। मैरिनेट करने के लिए नमक 1/2 टेबल स्पून लिया है, काली मिर्च 1/2 टेबल स्पून, अदरक का पाउडर लिया है 1/2 टेबल स्पून, लहसुन पाउडर लिया है 1/2 टेबल स्पून, नींबू हमने लिए हैं 4 अदद, ऑयल 3 टेबलस्पून। अब हम चिकन पर लहसुन, अदरक, नमक, काली मिर्च, सफ़ेद मिर्च, ऑयल, नींबू, चिली सॉस 3 टेबलस्पून और सिरका 1 टेबलस्पून डालकर तमाम मसाले अच्छे से चिकन पर लगा लेंगे। चिकन के जो कट्स हमने लगाए थे उसमें भी मसाले की अच्छी फिलिंग कर लेंगे और चिकन को मैरिनेट होने के लिए 1 घंटे के लिए रख देंगे। अब हम एक ग्रिल पैन लेंगे, इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे, ब्रश कर लेंगे। जब पैन गर्म हो जाएगा तो चिकन के पीस इसमें रख देंगे। और जो मसाला मैरिनेशन का बचा हुआ है वो भी इसके ऊपर लगा देंगे। पैन को बंद कर देंगे। चिकन की मुसलसल साइड्स बदलते रहेंगे ताकि दोनों तरफ से चिकन कुक हो जाए। आप इसके लिए कोई भी पैन ले सकते हैं, आप चाहें तो इसे नॉनस्टिक कढ़ाई में भी बना सकते हैं। अब हम 3 टेबलस्पून सोया सॉस लेंगे, उसमें 2 टेबलस्पून हनी मिक्स कर लेंगे। अभी मिक्सचर चिकन के पीसेस पर लगाएंगे और चिकन को मुसलसल साइड्स बदलते रहेंगे और दोनों साइड पर सोया सॉस और हनी का मिक्सचर लगाते रहेंगे। जैसे ही हमारा चिकन गल जाएगा हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। मज़ेदार हनी ग्रिल चिकन तैयार है। हनी ग्रिल चिकन में आपको तंदूरी चिकन का भी टेस्ट मिलेगा। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।